कक्षा 11वीं गणित छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा जारी प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, जैसे इस टाइप का प्रश्न आता है, ये वाला जो प्रश्न है। आपका संबंध फलन से ये सब छोटा छोटा प्रश्न आता है, सरल टाइप का प्रश्न आता है, जैसे ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा गुणा करने वाला हो गया, ये सब गुणा करने वाला, इसी टाइप का छोटा छोटा ये प्रश्न है। ये 2 अंक का प्रश्न है, अंक के हिसाब से ध्यान देंगे इसमें, मतलब जिस चैप्टर में जैसे ये 2 अंक का बोला है तो उसमें से 2 अंक का प्रश्न आएगा ही, और जैसे 4 अंक का बोला है तो 4 अंक का प्रश्न आएगा, इस टाइप का है। ये त्रिकोणमिति से देख लेंगे, मुख्य हल, व्यापक हल, ये इस टाइप का, ये जैसे मुख्य हल ज्ञात कीजिए, व्यापक हल ज्ञात कीजिए, चार अंक में आपका ये इम्पोर्टेंट है। छः अंक में गणितीय आगमन का सिद्धांत, 6 अंक का तो आता ही है, इसमें से इनको तो बना ही लेना है। इसमें से आपका है गुणात्मक प्रतिलोम, ये में आप ये ध्रुवीय रूप में ज्ञात कीजिए, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, ये सब इम्पोर्टेंट है। रैखिक असमीका से भी आते हैं, अब क्रमचय संचय से इस टाइप का सरल टाइप का प्रश्न आता है, जैसे ये हो गया, कई दूसरा हो गया, द्विपद प्रमेय में आपका ये व्यापक पर ये गुणांक दूसरा पद, इसमें से आपका मध्य पद इम्पोर्टेंट है, स्वतंत्र पद, गुणोत्तर श्रेणी सब 10th का है। आप इसमें आ जाएंगे तो आपका योगफल ज्ञात कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से प्रश्न पूछता ही है। इसमें से आपका ये दूरी ज्ञात कीजिए, यहाँ से समीकरण वाला है, 4 अंक में आपका ये कोण ज्ञात कीजिए,
छह अंक का प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस टाइप का आता है। नाभि शीर्ष निर्देशांक, ये दीर्घ अक्ष, लघु अक्ष, उत्केंद्रता, नाभि की लंबाई, इस टाइप का आपका प्रश्न एक आता ही है इसमें से। देखिए वृत्त के केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए एक वो हो गया दीर्घवृत्त, एक हो गया अति परवलय, एक होता है परवलय। इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, जैसे आपको ये अति परवलय है, इसके पहले बताया, ये दीर्घवृत्त वाला बताया, यहाँ से ये वाला प्रश्न, ये आपका चौथा, ये वाला ये दीर्घवृत्त है, ये वाला अति परवलय हो गया, छः नंबर का एक प्रश्न सबसे जरूर आएगा, दीर्घवृत्त अति परवलय। आप इस चैप्टर में जाएंगे, इस टाइप का आपको बहुत सारे प्रश्न मिल जाएगा, एग्जाम्पल में मिल जाएगा, अति परवलय, परवलय और दीर्घवृत्त को आप देख लेंगे, छः नंबर की इसमें से आएगा ही। ये एक अंक का है, लंबवत दूरी ज्ञात कीजिए, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, तीनों हैं, आपको मिल जाएगा बुक में। यहाँ से अष्टांश भी देख लेंगे, अष्टांश पूछता है। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक है, आप दसवीं में दो बिंदु वाला पढ़े थे, इसमें तीन बिंदु वाला है। उसमें से आप देख लेंगे सीमा और सीमाएं ज्ञात कीजिए। यह अवकलन है, सरल सा है अवकलन ये सब। ये सब अवकलन का है। ये सिंपल सिंपल है, निषेध ज्ञात कीजिए, ये सब सदता सारणी, ये भी एग्जाम में आता है। ये सांख्यिकी का, ये सब प्रसरण ज्ञात कीजिए, इसमें से चार अंक इस टाइप का तो जरूर आएगा, आप इस पढ़ लेंगे। ये वाला जैसे माध्य विचलन है, ये ऐसा टेबल वाला जरूर एक प्रश्न आएगा। ओके, ये प्रायिकता सरल सरल आएगा, प्रायिकता में इस टाइप का, ये सब बना लेंगे।